the topic which we are going to discuss is about workers compensation with relevant to insurance it has been seen in different organizations whenever the employees are paid compensation and it is remained the part of insurance for example here i have written the cost associated with workers compensation must be borne by the employer of the organization and it has been also seen दिस कास्ट इज पार्ट ऑफ ओवर हेड एक्सपेंसिस ऑफ द इम्प्लायर्स इन दर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू इम्प्लायर्स मस्ट आल्सो इंश्योर दैट कास्ट विल बी पेड इवन इफ ही दे गो आउट ऑफ द बिजनेस इसका यह मतलब है कि अगर इम्प्लायर् बिजनेस छोड़ भी दे लेकिन जो कास्ट इम्प्लाई की कंपनसेशन के हवाले से उसने पे करनी है वो लाजमी उसने पे करना है द आंसर ऑफ़ द मोस्ट इंप्लायर इन इज वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस ये भी देखा गया है कि जो वर्कर्स कंपनसेशन है उसको इंश्योरेंस की मद में ट्रीट किया गया है इंश्योरेंस की मद में डील किया गया है यहाँ पे कॉमन जो पॉइंट देखा गया है वो ये है कि जो भी इंप्लायर की तरफ से कंपनसेशन प्लान बनाया जाता है उसमें इंश्योरेंस के अंदर तीन तरह से कंपनसेशन ली जाती है फॉर एग्जाम्पल common thread woven through all the various compensation laws is a requirement that employers carry compensations insurance. The, it has been also seen that there are three types of compensation. number one, state funds compensation. number two, private insurance compensation. and last, self-insurance. workers' compensation insurance, go इस हवाले से भी देखना अहम है कि जो वर्कर्स कम्पनसेशन है उसके अंदर इसको डिटर्मन कैसे करना है किस तरह से वो कम्पनसेशन पे की जाएगी कौन पे करेगा कितना पे करेगा कब पे करेगा कैसे पे करेगा एम्प्लाई को क्या हम कम्पनसेट करेंगे क्या पे करेंगे कहीं ये केस अदालत में तो नहीं चला जाएगा कोई आर्बिट्रेटर होगा जो उसको इस हवाले से देखेगा ये सारी चीज़ें कंपनसेशन के हवाले से डिस्कस की जाती हैं सोल्यूशन तलाश किया जाता है और उनको मैनेज किया जाता है यहाँ पे इस स्लाइड में डी स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंप्लाई कंपनसेशन के कुछ मैथड्स हैं वो कौन कौन से हैं कि ये जो कंपनसेशन है ये कैसे कैलकुलेट होगी नंबर वन स्केजुअल रेटिंग नंबर टू मैनुअल रेटिंग नंबर थ्री एक्सपीरियंस रेटिंग नंबर फोर्थ एक्सट्रोस्पेक्टिव रेटिंग नंबर फाइव प्रीमियम डिस्काउंटिंग लास्ट पॉइंट इज कम्बिनेशन मैथड अब इन सिक्स पॉइंट्स में इस चीज़ को देखना इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रीमियम की अमाउंट हमने पे करनी है कंपनसेशन की इम्प्लाई को उसको कैलकुलेट कैसे करना है कैलकुलेशन से ज़्यादा जो अहम पॉइंट है डी स्टूडेंट्स वो ये है कि जो भी अमाउंट आपने पे करनी है चाहे वो वन पेनी है या वन मिलियन है इसको इस एंगल में देखा जाएगा कि एम्प्लाई को पे हर हाल में किया जाए अगर आप इम्प्लाई को हर हाल में पे नहीं करते तो आपकी जो कास्ट होगी सू के केसेस की जो अदालत में सूट कर देंगे इंप्लाई आपके ऊपर उसकी कास्ट इस कंपनसेशन से कहीं ज्यादा होती है तो उससे बचने के लिए हम एम्प्लॉय की कंपनसेशन पे करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन डिस्प्यूट बात इंप्लायर इज आल्सो नॉट विलिंग टू पे कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय इज विलिंग टू गेट कंपनसेशन तो प्रॉब्लम कहाँ पैदा होगी प्रॉब्लम यहां पैदा होगी कि वन ऑफ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव वर्कर कम्पन्शन इज टू अवॉइड कास्टली टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन अगर अदालत में मैटर चला जाए तो उस पर टाइम भी इन्वाल्व होगा कास्ट भी इन्वॉल्व होगा और लिटिगेशन के एक्सपेंस भी इन्वाल्व होंगे इन चीज़ों से बचने के लिए वेदर दिस सब्जेक्टिव इज बी अकम्पलिश इज क्वेश्चने इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुख्तलिस्म के आर्बिट्रेशन के ऑफिस मौजूद हैं जहाँ पर इस बात को इंशोर किया जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लाई को बैठा के उन दोनों के दरमियान को सोल्यूशन तलाश कर लिया जाए रेजोल्यूशन ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन डिस्प्यूट बाज इस चीज को भी देखा गया है कि जो इम्प्लाई है वो किस किस्म की कंपनसेशन चाहता है बाजू डिसेबिलिटी हो जाती है अगली स्लाइड्स में जाके मैं डीए स्टूडेंट्स आपको हाँ बताऊंगा कि वो डिसेबिलिटी किस किस्म की हो सकती है लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कंपनसेशन होगी उसको ओ कौन करेगा क्या वो वीकली कंपनसेशन होगी मंथली कंपनसेशन होगी लेंथ ऑफ बेनिफिट्स क्या होगा क्या फादर लाइफ टर्म बेसिस के ऊपर आप उसको पे करेंगे कंपनसेशन और बाद इन चीज़ों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है मोस्ट स्टेट्स हैव एन आर्बिट्रेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके पीछे एक मकसद है कि जो एम्प्लॉयड है वो और इम्प्लाई है वो ये दोनों अदालत नहीं जाएंगे बल्कि आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और आर्बिट्रेटर उन दोनों का मसला सुन के उसका सोल्यूशन तलाश करेगा इंजरीज एंड वर्कर्स कंपनसेशन अगर हम लोग देखें कि जो वर्कर्स कम्पनसेशन है और इम्प्लाई की इंजरी है इन दोनों चीज़ों का बहुत गहरा तलक है इंजरी की नेचर को देखते हुए इम्प्लाई को कम्पनसेट किया जाता है अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी पैदा हो जाए तो उस केस में कम्पनसेट ज़्यादा किया जाता है ताकि इम्प्लाई अपनी जो बाकी की लाइफ है उसको बेटर वे में गुजार सके दिजनल वर्कर्स कम्पनसेशन कंसेप्ट एनवींस कम्पनशेसन फॉर वर्कर्स हु ऑन जॉब एक्सीडेंट अगर इम्प्लाई ऑन जॉब एक्सीडेंट की वजह से किसी किस्म की इंजरी का सबब बन जाता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा कम्पनसेट उसको किया जाएगा वट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सीडेंट वेर इट फ्राम स्टेट टू स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो सकता है कि एक जगह पर कम्पनसेट आपको किया जाए वन थाउजेंड डॉलर के साथ वही इंजरी अगर किसी और स्टेट में होती है तो वहां 5000 डॉलर आपको किए ऐसा हो सकता है क्यों कि वहाँ पे स्टेट स्टेट टू इसके लिटिल बिट डिफर कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहता था पहले केस मेंबिलिटी हो सकती है सबसे ज्यादा होगी दूसरे केस डिसेबिलिटी हो सकती है जिसम का कोई आर्गन आपका प्रॉब्लम की वजह से इंजरी की वजह से वो फर्ज करेंगे जाया हो गया इस वजह से आपको परमानेंट पार्शल डिसेबिलिटी हो गई इस केस में आपको कम्पनसेट किया जाएगा टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी और लास्ट है टेम्परेरी पार्शल डिसेबिलिटी ये सबसे कम लास्ट केस में आपको कंपनसेट किया जाएगा क्योंकि ये डिसेबिलिटी है पार्शल है और टेम्परेरी है ये परमानेंट नहीं है आफ्टर गेटिंग फ्यू मेडिकेशन यू मे बी रिकवर्ड फुल लेकिन इस केस में भी इंप्लाई को कंपनसेट किया जाता है ताकि किसी तरह से जो इंप्लाई है वो ये फील ना करे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बैक नहीं कर रही और ये लास्ट स्लाइड है इस हवाले से कंपनसेशन को जो मैं डिस्कस कर रहा था यहां पे डिसेबिलिटीज एंड वर्कर्स कंपनसेशन को अगर देखा जाए डी स्टूडेंट्स तो फोर अप्रोचेज यहाँ यूज की जाती हैं टू हैंडल दिसबिलिटीज वो कौन कौन से फोर कंसेप्टेर आर थ्री थे विच आर कॉमनली यूज टू डीलबिलिटीज एंड वर्कर्स कम्पनसेशन नंबर वन होल पर्सन थे वेज लॉस थे नंबर थ्री लॉस ऑफ वेज अर्निंग थेरी अब ये जो तीनों थेरीज है अगर इसको देखा जाए तो इनका तलब इम्प्लाई के कम्पनसेशन के साथ है नंबर वन नंबर टू किसी डिसबिलिटी के पैदा हो जाने की वजह से एम्प्लॉय को बेनिफिट्स उस तरह से नहीं मिल सकते या अपने जॉब को उतनी देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता जो कि रूटीन में उसने रखना थी इस वजह से ये तीनों थेरीज इस बात को सपोर्ट करती हैं इन केस ऑफ एनी डिसबिलिटीज इम्प्लॉज मस्ट भी प्रोवाइडेड कम्पनसेशन